इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस देश के बहुत ही अच्छे एंटरटेनर जो कि लोगों को स्टेज में शोज़ में एंटरटेन करते रहे हैं और अब वो नज़र आएंगे पहली बार बड़े पर्दे पर लोगों को एंटरटेन करते हुए मिकी वायरस में जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ मनीष पॉल की वेलकम टू डी हाय आई हाँ यार थैंक यू थैंक यू तो पहली बार जो आप इतने लोगों को एंटरटेन करने के बाद टीवी में शोज में स्टेज में तो पहली बार फिल्में आप आ रहे हैं सो यू नर्वस और एक्साइटेड नहीं यार मैं एक्साइटेड ज़्यादा मैं नर्वस नहीं हूँ बिकॉज आई थिंक नर्वस वो इंसान होगा जिसने शायद मेहनत नहीं करी और काम नहीं किया हो so, तो शायद वो नर्वस हो रहा होगा लेकिन मुझे लगता है मैंने मेहनत करी है दिल से काम किया है और पूरा एफर्ट डाला तो so, नर्वस नहीं हूँ एक्साइटमेंट ज्यादा है थोड़ी एंगजाइटी है कि लोग क्या रिस्पॉन्स देंगे उस चीज़ की एंगजाइटी है सो लेट्स फॉर द देश जी तो मिक्की वायरस की अगर बात करें तो किस तरह से आपके इस फिल्म के साथ जुड़ना हुआ ये फिल्म एक्चुअली बाई डेस्टिनी मेरे पास आई सौरभ सर मुझे मिले थे उन्होंने मुझे फिल्म सुनाई किसी और काम से मिले बट बात फिल्म की हुई और फिल्म सुनाने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आ, मुझे लगता है कि तुम फिट हो गए इसी रोल में एंड यू नो एक ऑडिशन लिया उन लोगों ने एंड दैट्स ऑल गॉट द फिल्म जी अच्छा आप मनीष आपने स्टेज में इतने शोज़ किए हैं बड़े बड़े सेलेब्स के साथ शोज़ किए हैं इंटरव्यू किए हैं अगर आपको पूछा जाए आपका फेवरेट एक्टर कौन है आई थिंक इट हैज़ टू बी शाहरुख खान बिकॉज शाहरुख सर के साथ जब भी मैं स्टेज पे होता हूँ तो एक एनर्जी लेवल अलग हो जाता है हम लोगों का एंड काफ़ी इन्जॉय करते हैं जी अच्छा अगर हम टेलीविजन की बात करें जो उसका जो मीडियम है आजकल बहुत बड़ा हो चुका है तो आपने जैसे कि फिल्म में आपकी कंप्लीट हो चुकी है और 25 को रिलीज भी हो रही है सो व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन फिल्म्स एंड टेलीविजन आई थिंक डिफरेंस है यार वर्किंग uh, आवर्स नंबर वन नंबर टू फिल्म में हम लोग टाइम लेके शूट करते हैं आराम से करते हैं कोई जल्दी नहीं होती टेलीविजन uh, में ऑब्वियसली बिकॉज़ इट हैज़ टू गो ऑन एयर क्विकली लाइक हर हफ़्ते हम लोग शूट करते हैं बड़े चैलेंजेस होते हैं आई थिंक टेलीविज़न भी बहुत मेहनत का काम है uh, जिस तरह हम रियलिटी शोज भी शूट करते हैं फिल्म में थोड़ा सा आप पेस uh, स्लो कर सकते हो लेकिन uh, एक ही चीज़ को दस बारह हम लोग शूट करते हैं ताकि प्रॉपर आए तो ये थोड़े बहुत डिफ्रेंस है जैसे कि आपने कहा कि इनिशियली भी आपको स्ट्रगल करना पड़ा आठ महीने आपको घर बैठना पड़ा तो स्ट्रगलिंग पीरियड का जो भी दौर है थोड़ा बहुत आप हमसे शेयर कर सकते हैं जी हाँ स्ट्रगलिंग uh, मैं एक्चुअली से स्ट्रगल नहीं कहता यार मैं उसे लर्निंग पीरियड कहता हूँ स्ट्रगल बोलता हूँ बड़ी बेचारगी आती है तो मैं सिंपति नहीं चाहता लोगों की मैं प्यार चाहता हूँ और uh, यही चाहता हूँ लोग कहीं मेहनत करके लड़का यहाँ तक पहुँचा तो आई बिलीव इन दैट मैं घर पे था मेरे को नहीं मज़ा आ रहा था टेलीविजन में जो मुझे काम ऑफ़र हो रहा था आई वॉज हैप्पी विद डैट सो मैंने कहा यार करें तो कुछ अच्छा करें नहीं तो कोई बात नहीं यू you नो know, पैसा कमाने के लिए और बहुत से काम है पैसा अगर बहुत ही मैं डेस्परेट डेस्पिनेंट पैसा कमाने के लिए मैं झाड़ू लगा लूँगा यार मुझे उसके भी पैसे मिल जाएंगे तो बात वो नहीं है uh, बात है कि मैंने एक लाइन चूज़ करी है एक प्रोफेशन है जो मैं पैशनेटली करता हूँ तो मैं अच्छा काम करना चाहता था थैंकफुली मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम मुझे बिकॉज शी सेट नहीं आप तुम एक डिसीजन ले रहे हो तो स्टिक टू इट एंड आई थिंक uh, वो आठ महीने थोड़े डिफिकल्ट रहे लेकिन बहुत सीखा एंड उसके बाद यहाँ तक पहुँचे सो फील फील्स गुड और जाते जाते आपके वाइफ ने आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है बिल्कुल मेरी वाइफ ने करवा चौथ का व्रत रखा है और मैं इनफैक्ट आज यहाँ से जल्दी भागूंगा घर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू थैंक्स लॉड थैंक यू तो ये थे हमारे साथ मनीष पॉल जिन्होंने अपने फिल्म के बारे में बात की और वो ये मानते हैं कि जिंदगी में कभी स्ट्रगल नहीं होता स्ट्रगल को वो लर्निंग पीरियड मानते हैं है राकेश ठाकुर के साथ जयदीप मित्रा डे नाइट न्यूज चंडीगढ़ खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए हम मिलेंगे फेसबुक पर हम दिखेंगे यूट्यूब पर हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर खबरों के साथ बने रहिए रात दिन